उम्मीद है कि साथी जो है ना याद करने की कोशिश तो करें होंगे, और याद अगर पूरे साथी नहीं भी करें तो याद करने की कोशिश तो करें होंगे। मुझे ये समझ में आ रहा है कि लिख लेने के फौरन बाद उछाड़ना जल्दी लिखा लेंगे, आज थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। लिख लेने के बाद जो है एक आधा घंटा अपने हल्कों में बैठ के साथियों की चार चार तीन तीन चार चार पाँच पाँच साथियों को अलग अलग बिठा के डिवाइड करके टीम बना के एक साथी जो है ना पढ़ना, पढ़ने से बाद ये देखना बगैर देखे कि बोलना जो पढ़े थे। इस तरीके से सुनने से भी बहुत जल्दी याद होगा, सुनने से बहुत जल्दी याद होगा। एक साथी जो है ना बोलना, दूसरे साथी और से सुनना, कहीं भी हम मिस्टेक कर रहे गलती कर रहे तो उनको बताना, इस तरीके से याद करें तो जल्दी याद होगा। पूरा हल्का एक साथ बैठ के कोई एक साथी अगर सुनाए तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता सारे साथी सुनाने में, तो चंद साथी भी अगर सुना दिए अलग अलग बैठ के तो पूरे साथी आपस में रिवाइज कर ले सकते हैं, दोहरा ले सकते हैं। यही याद करके तो पूरा हफ्ता जो है ना याद रहता, बीच में खाली थोड़ा सा मन बन करके जो याद करे थे उसको अपने दिमाग में दोहरा के तो याद आ जाता। तो करीब इंसान ऐसे ही करके आज, और हर साथी जो लिखा है वो एक मरतबा अपने नहीं खूब चेक करा रहना, बताना है पड़ता, बता दिए तो समझ में आता सही लिखे गलत लिखे क्या लिखे। अलहमदिल्ला साथी जो है ना उर्दू में पूरा कंप्लीट लिखे, मतलब मैसेज की शक्ल में लिख के भेज रहे हैं, बात साथी जो है ना एक रोमन इंग्लिश में मैसेज की शक्ल में लिख के भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छा है वो। लेकिन काफी भी अपने पास लिखा हुआ पूरा रखना, तो गुज़िश्ता जो पढ़े थे मैं उसको रिवाइज नहीं करूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा लिखने का मैंने आप लोगों को, तो याद करें अभी आगे इंशाल्लाह लिखते हैं, आगे लिखना शुरू करते हैं। ये जो मजमून चल रहा है सूरतुल असर के तहत में, सूरतुल असर के तहत में दीनी दोस्ती के काम को समझना, दीनी दोस्ती का काम तो ये भी बताया था कि दीनी दोस्ती का काम तो सिर्फ एक ये नाम जो है ना दीनी दोस्ती का नाम बड़ा नाम नाम दिया गया है इसको, जबकि ये काम जो है ना अंबिया करम अलैहिस्सलाम का काम है। मतलब ये कि इस नाम को छोड़कर भी सूरतुल असर के इस मज़ामीन को इस अंदाज से समझना और समझ के अपनी जिंदगी में लाना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। गफलत हर मुसलमान के अंदर से दूर होना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसलिए ऐसा नहीं कि दीनी दोस्ती का काम करने वाले या दीनी दोस्ती के हल्कों में शरीक होने वालों के लिए ये मज़मून ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। गफलत का दूर होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो गफलत के दूर होने के पॉइंट्स अपन गुज़िश्ता पढ़े थे कुरान मजीद की आयतों के जरिए से। उम्मीद है कि बहुत सारे साथियों को कुरान मजीद की आयतें भी याद हुई होंगी, जो आयतें अब तक याद नहीं थी, याद नहीं थी बहुत सारे साथियों को, ये वो भी याद हुई होंगी माशाल्लाह। गुज़िश्ता जो हम लिखे थे वो गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को समझना, अल्लाह ताला की नेमतों को समझ के गफलत को दूर करना, कि लाखों करोड़ों मखलूकात हमारी खिदमत के लिए अल्लाह ताला पैदा करें, इसके साथ साथ जो है नजर हमारे कितनी नेमतें मैं तुम्हें अदा कर रहा हूँ कि तुम गिन भी नहीं सकते। बहुत सारी नेमतें तो हमारे मालूम ही नहीं है जो हमारे मिली हुई है, तो उसका तस्करा पड़े थे अपन वही तमाम और सभी बिगमान। फिर अल्लाह ये भी बताया कि भाई तुम्हारे दुनिया में भेजने से पहले पहले मैं तुम्हारे साथ वादा कर चुका हूँ, हमारी टीम हो चुकी है, हम दीन कर चुके हैं आपस में, अरस्तु बिरब्बिकुम कालू बना शहीदना। फिर अल्लाह तआला की ये बात भी, ये आयत भी सामने आई है, बेहतरीन रूह तुम्हें दिया मैंने, आला सिफात वाली जबरदस्त क्वालिटी वाली रूह, ऐसी साफ शफाफ रूह तुम्हारे अंदर डाल के मैंने भेजी है। फिर इसके तहत में जो ना आयत में पढ़े थे लकद खलकना इंसान फी अहसन तकवीम। फिर और एक अहम चीज़ है कि मैं तुम्हारे साथ लाखों जानवरों को हजारों जानवरों को भी पैदा किया, लेकिन मैंने उनको समझ नहीं दी, शऊर नहीं दिया, नेकी बुराई का शऊर उनके जहन में नहीं है, लेकिन तुम्हें पैदा किया तो नेकी और बुराई की समझ दे के दुनिया में भेजा, इबरत हासिल करने का दिमाग तुम्हारा है तुम्हारा, और सही फैसला करने की सलाहियत तुम्हारे अंदर है, ये सारी सलाहियतें दे के मैंने तुमको भेजा। इसके तहत में जो ना आयतें भी लिख चुके हैं, तो अल्लाह की नेमतों के जरिए से गफलत को दूर करने का तरीका हम लिखे थे अब तक। अब अल्लाह के अजाब और अल्लाह के गज़ब ये चीज़ों के जरिए से अपनी गफलत को दूर करने के पॉइंट्स आगे, तो आप इसको लिख सकते
दूसरा सबक मत लिखिए उसको, पहला सबक ही है ये। पहले सबक आप लोगों की फरमाइश पे अगर डिमांड पे, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड को गुज़िश्ता पर क्या करें आधा सबक लिखे थे, तो अभी आधा सबक मजीद जो है ना मजीद पॉइंट्स होते लिखे आपने आगे, मजीद पॉइंट्स अफरत को दूर करने वाले मजीद पॉइंट्स। ये जो लिखे थे इसको फेर कौन कौन करे जाके लिखे थे, या फेर कौन कौन करे, फेर टिकलर है लिखे से फेर हो। हर साथी को जो लिखे आप वही पढ़ के सुनाओ, बोलते बोले दो दिन के बाद सुना सका इतना ऐसा लिख रहा है, मतलब इतना तेज तेज लिख रहा है, सुनाओ नहीं सुना सका। इसको फेर बनाइए, अच्छा खूबसूरत अंदाज में लिखिए, अच्छे अंदाज में लिखिए, राइटिंग का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता, अच्छी राइटिंग का असर पड़ता। मजीद पॉइंट्स, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन जो पॉइंट नंबर्स लिखाते थे वो हमेशा नई वो पेज है मतलब सफ़े के किनारे से शुरू करना हो, पॉइंट्स जो लिखते पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, बीच में पॉइंट नहीं लेना, एक लाइन चल रही आधी लाइन कोई पेज बचाएंगे सफा बचाएंगे वो बीच में एक पॉइंट बना लेना, ऐसा नहीं करना, शुरू से लिखना किनारे से लिखना पॉइंट नंबर वन। कायनात के मनाजिर से, कायनात के मनाजिर, मनाजिर वो तो सीन्स, कायनात के मनाजिर मंजर की जमा मनाजिर है, कायनात के मनाजिर, मनाजिर की बात में निकल सकते ब्रैकेट, ब्रैकेट में सीन्स बोल के, कायनात के मनाजिर से अल्लाह की बड़ाई, कायनात के मनाजिर से अल्लाह की बड़ाई, या फिर जो है ना एक जैसे अल्फाज या एक एक मतलब कई मुमासिल अल्फाज को जब बताना है तो कामा लगा दे, फुल स्टॉप हो तो बात मुकम्मल हो गई। तो कायनात के मनाजिर से अल्लाह की बड़ाई कामा कुव्वत और गजब को समझाना, कुव्वत और गजब को समझाना। अब सिर्फ पास नहीं आ रहा ये इसका क्या मतलब, गुज़िश्ता एक लफ्ज था वो एक एक जुमला था वो जुमला नहीं समझ आया बहुत सारे साथियों को, क्या हुआ किया हुआ शख्स अजनबी जगह पर मुस्तकबिल की प्लानिंग बनाने के बाद ही सुकून और मजे लेता है, इसका मतलब नहीं समझ आया, तो भी लिखा है समझ आया, इसका मतलब ये है कि मतलब जिस तरीके से अहवा किया हुआ शख्स जो है ना अमृत में नहीं रहता, मस्त इंजॉय नहीं करते रहता है, जबरदस्त जगह है बेहतरीन बैठता है रास्ते नहीं, उन्हें यहाँ पर क्या करता है, कैसा बचना है मेरे मुझसे, जब एक प्लान उसके जहन में आता उसके बाद उसको सुकून मिलता। तो हम लोग की दुनिया के अंदर जो है ना इसी हालत में है, गफलत में पड़े हुए हैं, हालांकि यहाँ पे हम रहने नहीं आए, हमें जाना है यहाँ से, निकलना है यहाँ से। ये कायनात के मनाजिर से अल्लाह की बड़ाई कुव्वत और गज़ब को समझाना, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि उसको समझाना कि भाई देखो जलजले को देखो कैसे जलजले, अल्लाह के हुकुम पे जमीन थोड़ी सी फटी तो शहर के शहर अंदर चले जाते, हजारों लोग अंदर चले जाते, लोग पे अजल बन जाते। तो ये कायनात का मंजर है, जलजला है मंजर है, सुनामी की मिसाल दे सकते हैं आप, मौजूदा दौर की मिसालें देना है तो सुनामी के जरिए से कितने लोग तबाह हो गए, कितने लोग खत्म हो गए, एक एक लहर उठी है। सुनामी के वक्त में क्या हुआ था, अर्थ वो भी जलजला था, समंदर के नीचे जलजला आया, जमीन 50 फीट ऊपर उठी, 50 फीट जमीन उठने की वजह से समंदर की लहरें एकदम 50-50 फीट ऊपर उठी, 50 फीट ऊपर लहर उठ गया है तो क्या हाल होगा उसमें जो है ना, तबाही और बर्बादी। कार ऐसा जैसा मतलब अपन कागज की कश्तियां बना के डालते थे और पानी बचपन में खेलते वक्त, वैसे बड़ी बड़ी कार है, बड़े बड़े ट्रक बस पानी के अंदर बह रहे थे जैसे कागज की कश्तियां है क्या। तो अल्लाह को कुदरत को समझाना, समंदर मामूली मखलूक है अल्लाह की लेकिन उसके गजब का ये आलम है, तो अल्लाह कैसे होंगे। कौम आग की मिसालें दे सकते हैं, कौम समूह की मिसालें दे सकते हैं, एक फरिश्ता ने चीख मारा तो
तो कान फट गए कौम समूद के, कान फट गए। कौम आद के ऊपर क्या हुआ था? एक अलग अलग तूफान भेजा, हवा का तूफान। ऐसा तूफान के पूरी कौम को, उनके मवेशी, उनके जानवर सारे के सारे सुबह सामान उड़ गए। तो अलग अलग हवा ने उठा के उन लोगों को आपस में टकराया, टकरे मारे एक दूसरे के साथ। जैसे तूफान होता है, तूफान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पानी में हवा में पड़ा साइक्लोन, साइक्लोन और दूसरे दो तीन नाम भी अलग अलग। तो हवा में ऐसा उठ के आपस में टकरा के जमीन पे भी पट गया अलग अलग। तो ये आग के साथ ऐसा हुआ था, हवा का तूफान आया था। इसके बाद खौम समूद क्या करिए, हम लोग हमारे ऊपर ये नहीं आना, गारों के अंदर जाके रहने लगे। मतलब अल्लाह के हुक्म को मजाक समझे, अल्लाह की क्या अल्लाह खाली एक ही जगह भेज सकता समझे। अल्लाह तआला अगर एक फरिश्ते को भेजे, उन्हें आके चीख मारा खाली, वो चीख सुन के उनके कान के पर्दे फट गए, उनके जिगर फट गए, कान में से मुंह में से हरा सा खून निकल के मर गए। क्या अल्लाह का मतलब क्या है अल्लाह की ताकत? तो कायनात के मनाजिर से अल्लाह की ताकत को, हुक्मत को, गजब को, अल्लाह के गुस्से को समझाना, ये चीज समझाए तो बराबर असर होगा। पॉइंट नंबर टू, अल्लाह के अजाब और इंतकाम को समझाना। अल्लाह के अजाब और इंतकाम को समझाना, उनको ये बताना, लिखिए अल्लाह के अजाब और इंतकाम को समझाना। आगे लिखो मत, अगर चाहे आप बिरानी में इशारे नहीं ले सकते। अल्लाह के अजाब और इंतकाम को समझाना, किस तरीके से समझाना? ये समझाना कि भाई आप समझ रहे कि अल्लाह तआला खाली कयामत की दिन पकड़ते, दुनिया में जो चाहे करो, आज़ादी है आपको, ऐसा नहीं है। दुनिया में भी अल्लाह तआला क्या करते, घीर देते, घीर देके उसके बाद पकड़ते, तो ऐसा पकड़ते कि फिर पिछले की सारी जितनी भी नेमतें खाए थे पूरी निकाल लेते एक झटके में। होता ना ऐसा? आप देख लीजिए, मतलब ये चीज ऐसी है कि अगर आप चाहते तो गौर कर सकते हैं इसके ऊपर कि जितने लोग जितनी ज्यादा जालिम रहते मरने से पहले पहले अगर उनका अंजाम इतना बदतरीन करते कि देखने वालों को, मतलब देखने वाले कानों को हाथ लगाते, जितने रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं या फिर कौन सी भी मुहकमे में हराम खाने वाले, इनको आप देखो, इनकी जिंदगी का जो आखिरी दौर रहता है इंतहाई बदतरीन दौर, हजारों किस्म की बीमारियों का मजमा बन जाते, काबिल रहम बन जाते, कोई सूरत देखने को तैयार नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे जो सड़ सड़ के मर गए, सड़ सड़ के मर गए। ये क्या है? सिर्फ आखिरत का अजाब नहीं है, आपके आमाल, आपके बदामालियों की सजा आपको दुनिया में भी मिलती। अगर आप अपने माँ बाप के नाफरमान है तो आपकी औलाद आपकी नाफरमानी बराबर कर दी, आपकी औलाद आपकी नाफरमानी करके, आप अगर अपने माँ बाप के नाफरमान है तो ये चीज समझाना। इशारे में आप लिख सकते हैं कि भाई सिर्फ आखिरत में अजाब नहीं होगा, दुनिया में अल्लाह तआला ढील देके पकड़ने वाले हैं। लिख सकते अल्लाह का इंतकाम दुनिया में भी पकड़ता है, आखिरत में तो है ही है। बुरे लोगों को अल्लाह तआला इज्जत और आफियत की मौत नहीं देते, उनके अजाब का सिलसिला दुनिया से शुरू हो जाता। इसमें हजरत एक शेर लिखा है, वो शेर भी लिखो, एकदम खुश मौजू नहीं, आप अशार भी अगर बीच में सुनाए अच्छे जबरदस्त अंदाज में तो अच्छा असर पड़ता। शेर शायरी जो है बिना एक एक शेर में पास मरतबा पूरे पूरे मजमून आ जाता, एक शेर में पूरा मजमून आ जाता। इसलिए खुश नहीं, थोड़ा शेर व शायरी में रहना, मगर अच्छी शेर व शायरी में रहना। वो दोस्ती में इतना शेर बहुत सारे फूल है, गुलाब का कहते हैं ऐसे। तो शेर लिखिए, अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ, इसको उर्दू में लिखे तो अदल लिखिए, उसके बाद वाउ लिखिए, फिर इंसाफ लिखते, मगर पढ़े तो इसको कैसा पढ़ते, अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ। फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, अदलो इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, अदलो इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं। देखिए मौकूफ नहीं, मौकूफ मतलब सिर्फ हश्र में नहीं होने वाला है, कयामत के दिन नहीं होने वाला है। अदलो इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, इसका आगे का मिसरा किसको याद है?
जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। बुरे अमल का नतीजा दुनिया में भी इंसान को देखना पड़ता है, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। दलील क्या है इसकी? देखिए, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। अदल इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, मौकूफ एम ए यू लिखो या ओ यू लिखो, यू लिखो मौकूफ डबल ओ फिर एम मौकूफ। दलील क्या है? वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। जिनको याद याद है वो आयत लिख लीजिए, जिनको याद नहीं है वो लिखिए सूरह ताहा आयत नंबर 124, सूरह ताहा आयत नंबर 124। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। तर्जुमा, और जो मेरी याद के बगैर जिंदगी गुजारेगा, और जो मेरी याद के बगैर जिंदगी गुजारेगा, और जो मेरी याद के बगैर जिंदगी गुजारेगा उसकी जिंदगी तंगी में होगी, उसकी जिंदगी तंगी में होगी। सूरह ताहा आयत नंबर 124, पॉइंट नंबर 3। दुनिया की बुराई के जरिए से, दुनिया की बुराई के जरिए से दुनिया की बुराई करने के जरिए से भी गफलत दूर होती है, दुनिया की बुराई करने के जरिए से भी गफलत दूर होती है, दुनिया की बुराई करने से भी गफलत दूर होती है। दुनिया की बुराई करने के लिए दो चीजें, दो पॉइंट जरूरी है समझने के लिए। पॉइंट नंबर 1, दुनिया बहुत आरजी और बेवफा चीज है, दुनिया बहुत आरजी और बेवफा चीज है, दुनिया बहुत आरजी और बेवफा चीज है। सिनाक में देखिए दे। आरजी होने का मतलब क्या है? हमेशा रहने वाली नहीं है, बेसुबाग है, पानी का बुलबुला है। आप चाहे तो ग्रामीण में लिख सकते, बेसुबाग है, पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है। दुनिया बहुत आरजी और बेवफा है, यानी ग्रामीण में लिख सकते बेसुबाग, सुबाग, बेसुबाग, सास है, बेसुबाग, साबित है ना, साबित, साबित कई लफ्ज है, सुबाग, बेसुबाग और पानी का बुलबुला। समझ में नहीं आता उनका लिखा, आरजी तो समझ में आता, बेवफा चीज है ये दुनिया, इसको बेवफाई को, दुनिया की बेवफाई को खोल खोल के समझाना, समझना भी समझाना भी, ये दुनिया इतनी बेवफा चीज है, ये किसी की नहीं होती है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों के हाथों में से सफर करता हुआ माल फिर चले जाता आगे, किसी के हाथ में हमेशा नहीं रहता। यहाँ तक कि जो है ना,
इंसान गुजर जाता, उसका कमाया हुआ माल पीछे रह जाता। एक रोड है, कितने हाथों में सफर करती, कितने हाथों में सफर करती, किसी के हाथ में रुकती नहीं। आपकी हथेली में है आज, फिर दूसरे की हथेली में, बाद माता को इधर से आती का हिस्सा है और रुकती भी नहीं। तो बेवफा चीज है दुनिया। हजरत जिसको समझा तो बोले, समझा के बोले कि भाई ये इससे शादी नहीं करना, दुनिया से शादी नहीं करना है, बेवफा चीज है। पॉइंट नंबर दो, दुनिया अधूरी और महदूद है। दुनिया अधूरी और महदूद है, लिमिटेड। महदूद मीन्स लिमिटेड, लिमिट है इसकी। महदूद महदूद है, दुनिया अधूरी और महदूद है। चालीस साल पचास साल उम्र वाले मरण के पीछे अपनी उम्र को देखें तो ऐसा दिखता है जैसा अभी अभी गुजरी है। खासतौर पर जो है ना, 2000 से पहले का जमाना और 2000 के बाद के जमाने में इतना फर्क है। 2000 से पहले वक्त गुजरता ही नहीं था, अब देखे देखे तो साल गुजर गया, फटाफट फटाफट वक्त निकल रहा। तो फिर ये 2000 साल में भी जो है ना, मोबाइल स्मार्टफोन से पहले का दौर और स्मार्टफोन के बाद का दौर, दोनों में फर्क है। 2012-13 के बाद स्मार्टफोन मशहूर हुए, 2012-13 से पहले जो है ना, इसके बाद भी स्मार्टफोन दिखा दो ऐसे ही देखते थे और से बाजू में दिखा दो फोन किसी के हाथ में, वो नोकिया का एक मोटे पेट वाला मोबाइल आता था बड़ा, कोई मोबाइल उसके इतना बटन मोबाइल था। तो वहां से जब से स्मार्टफोन शुरू हुआ उसके बाद से जो है ना, जिंदगी इतनी तेजी से गुजर गई। पलट के देखो जैसे इतना साथ गुजर गया, क्या करें ये साथ, कैसा करें। देखे देखे तक एज आगे निकलती चली जा रही, 30 साल 40 साल 50 साल गुजर गए, पीछे देखे तो कुछ भी नहीं, मैं क्या गुजारा, अभी गुजारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 140 साल की उम्र के थे, दुनिया से गए तो उनको पूछे फरिश्ते पूछे या अल्लाह ताला पूछे कि दुनिया को कैसा पाया, दुनिया की जिंदगी को कैसा पाया। तो फरमाया कि एक कमरा है, उसके दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे में से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे में से निकल गया। इतनी जिंदगी दुनिया की, इतनी जिंदगी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया को एक दिन की तरह मिसाल देके फरमाया कि पहले की उम्मतों को जो वक्त मिला था वो वक्त गुजर गया, असर का वक्त आ गया। अब मेरी उम्मत को जो वक्त मिला है वो असर का वक्त मिला है। असर का वक्त पूरी नमाजों के टाइमों में सबसे कम टाइम हमारा वक्त है असर का, मुख्तसर अपना भी मसलक है, बहुत कम टाइम हमारा असर का वक्त है, आखिरी वक्त बिल्कुल। तो दुनिया मतलब ये अधूरी और महदूद है, यहाँ की चीजें महदूद है। आपको कितनी जबरदस्त भूख लगे, कितनी शानदार भूख लगे, आपकी भूख का हल क्या है, एक प्लेट पहलवान रहे, जबरदस्त टाइगर रहे, दो प्लेट, उससे ज्यादा तो नहीं, एक फैमिली पैक तो नहीं खा सकते, एक प्लेट दो प्लेट बस, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद जो ना, उस कितनी भी बेहतरीन चीज ला के सामने रख दो आप नहीं खा सकते। यहाँ तक फिर थोड़ी देर तक मछली होना शुरू हो जाती है, तो ये दुनिया है। जन्नत क्या है इसके बारे में, कितना भी खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त में 80,000 फरिश्ते अपने दोनों हाथों में खाने के थाल लेके आपके सामने आते, 80,000 फरिश्ते दोनों हाथों में, ये हाथ में थाल, ये हाथ में थाल, लाके आपके सामने रखते। आप अंदाजा लगाइए कि आप 1,60,000 थाल आप एक बैठक में साफ कर देते, आप एक बैठक में। और पहले दीवाने में आपको जो मजा आया था, लास्ट दीवाने में कोई मजा था अपना क्या है, पहली पीरियड में जो मजा था दूसरी पीरियड में नहीं दिखता, हो बिठा दिए पहले चमचे में जो मजा था ऐसा ऐसे कम होते रहता। इसलिए कि इंसान तो ना कुल्लू जदीद लजीज वाली फितर है, इंसान के अंदर नई चीज अच्छी दिखती। जन्नत के अंदर 1,60,000 थाल एक साथ खाते, और हदीस में यहाँ तक मेंशन किया गया कि हर दीवाने में अलग मजा रहता, हर दीवाने में कितने मजे हैं दुनिया के, तो दो चार किस्म के मजे क्या पकाना भाई, अभी तुम्हारे के बिरयानी पकाओ, ये तो बगारा का ढांचा पकाओ, ये तो कुछ भी और एक आइटम, दो तीन आइटम है अपने पास। तो जन्नत के अंदर हर दीवार का अलग मजा, पूरा खाने के बाद जो है ना सिर्फ एक डकार डकार में पूरा खाना हजम, अल्लाह तरह पसीना निकालते, वो पसीना निकलती पूरा खाना हजम हो जाता। बाथरूम में आने की जरूरत नहीं, वो हाजमे की गोलियां खाने की जरूरत नहीं, इतना क्या है वो सोडा सोडा पीने की जरूरत नहीं है, जीरा सोडा कुछ भी जरूरत नहीं है, पूरा हजम एक
अच्छा वो डकार भी हमारी दुनिया की डकार कैसे थी? डकार दिया कोई भी आगे तो बदबू आती, खाए सब पूरा अंदर के बुखार निकलते। जन्नत की डकार में खुशबू आती, खुशबू फैलती, पसीने से खुशबू निकलती। अच्छा आपका दिल फिर खाना चाहता, फिर 1,60,000 थाल खा सकते हैं, ये जन्नत है मेरे भाइयों। तो दुनिया अधूरी और जन्नत मुकम्मल। ऐश करने की जगह कहाँ है? जन्नत है, दुनिया अधूरी है। करोड़पति इंसान रहा तो उन्हें मतलब सोने का खाना नहीं खाता, उन्हें वो खाता जो अपन खा रहे, सब वो खाते हो। महदूद है दुनिया, एक ही शादी कर सकते हैं हमें। हजरत शादी की भी मिसाल दी, इसलिए बोल रहा हूं। खामा सोम देखते मगर एक ही मिलने वाली है। तो अच्छा पॉइंट नंबर 3, नफरत को दूर करने के लिए नस की बुराई। या इसको ऐसा देखो, नस की बुराई करने से भी गफलत दूर होती है। तीसरा पॉइंट ये कि दुनिया के जो 2 पॉइंट तो हो गए वो तीसरा नहीं, सॉरी कौन सा पॉइंट निकाला था? चौथा हो गया ना, वो ये चौथा पॉइंट है, असल पॉइंट। जब वो तो दूसरे के 2 पॉइंट थे, तीसरे के 2 पॉइंट थे, अभी 14 पॉइंट है। यानी पहले अल्लाह कायनात के मनाज़िर से अल्लाह की बड़ाई, और फिर अल्लाह के अज़ाब और इंतेकाम को समझाना, और तीसरा क्या है, दुनिया की बुराई करने से भी गफलत दूर होती है, और चौथा पॉइंट है, नस की बुराई करने से भी गफलत दूर होती है। हर इंसान को अपनी इस्लाह की मेहनत से लगना जरूरी है। हर इंसान को अपनी इस्लाह की मेहनत से लगना जरूरी है। फर्ज है हर इंसान पे अपनी इस्लाह करना, तो हर इंसान को अपनी इस्लाह की मेहनत से लगना जरूरी है। क्योंकि उसमें हिर्स, इसलिए हर इंसान को अपनी इस्लाह की मेहनत से लगना जरूरी है, क्योंकि उसमें हिर्स, कामा, गुस्सा, कामा, इंतकाम, कामा, क्योंकि उसमें हिर्स, गुस्सा, इंतकाम, बेसब्री, हिमाकत, कीना, क्योंकि उसमें हिर्स, गुस्सा, इंतकाम, बेसब्री, हिमाकत, कीना, हसद, तकब्बुर और जल्दबाजी। मेरे मतलब क्योंकि उसमें हिर्स, गुस्सा, इंतकाम, बेसब्री, हिमाकत, कीना, हसद, तकब्बुर और जल्दबाजी वगैरह हैं, वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं कमरे के, बहुत तो खाली ही गया, और बहुत सारी चीजें अपन बैठे तो बहुत निकलते अपने अंदर, वगैरह भी है। जिनसे तबाही लाजमी है, जिनसे तबाही लाजमी है, जिनको तो वो ये जो जिन्ना है पूरे कसर वीर्स वो ये जिन्ना हमारे अंदर के जिन्ना है, ये जिनसे तबाही लाजमी है, लाजमी है जिनसे तबाही लाजमी है। हर इंसान के अंदर ऐसी बुराइयां हैं जिनको दूर करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, हर इंसान के ऊपर फर्ज है। ये बुराइयां दूर हुए तो मुसलमान बनता है, ये बुराइयां दूर हुए मुसलमान नहीं रहा, गैर मुस्लिम भी है तब भी उसके अंदर से ये चीजें निकले तो ये सही माने में इंसान बनता। हिर्स, लालच, बोझ, ये सब चीजें ऐसी है मतलब खतरनाक है। अपने अलावा किसी भी इंसान कुछ काबिल समझता ही नहीं जिसके अंदर तकब्बुर रहता। अब इसमें से आप एक एक चीज को खोल सकते, आप जितना इसके बारे में पढ़ सकते उतना मतलब पढ़ के आप समझा सकते किसको बोलते हैं, लालच क्या है, लालच बुरी बला है। बल्कि छोटे छोटे बच्चों की कहानियां आती है नहीं,
छोटे अपने तो मोरल स्टोरीज बोलकर बच्चों को दिखाना है चीजा मोरल स्टोरीज बोलकर कार्टून बना के दादा पूरी बना है उसको वो लोमड़ी की लोमड़ी तो अक्सर रहती है दादा छोटी लोमड़ी आती तो लालच ग्रीड उसमें इंग्लिश में ग्रीड बोलते लालच ग्रीड जल्दबाजी बहुत जल्दबाज इंसान बताने इंसान मौजूद है इसमें से हर चीज आप समझ के समझा सकते हैं हर एक के ऊपर बेशुमार प्रभाव मिल जाता है आपको किताबों में एक एक सिर्फ एक एक लफ्ज के ऊपर जो है एक एक तकलीफ मिलती है आपको उलमाए इकराम के अंदाज़ों में एक एक लफ्ज में गुस्से में पूरी तकलीफ मिलती गुस्सा किताब पकड़ मार गया ऐसा तो हमारे अंदर ये सब चीजें हैं अपन क्या समझ रहे थे पूरा अच्छा है अब जाके हजरत को बोलो तुम भी अपनी कैफियत सुनाओ क्या सुनाते जाके कैफियत हजरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा और आशीर्वाद भी सब अच्छा हो रहा मतलब कुछ भी कमी नहीं है सब अच्छा हो रहा जबकि वहां पे जाके जो है ना अपनी जो खराबियां हैं वो खराबियां सामने रखे तो इलाज करते हो बोलना डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते ऐसे बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है डेंगू है पूछ पाए डॉक्टर यहाँ पे डेंगू है भाई सब अच्छा है डॉक्टर साहब ना गोली की जरूरत है ना इंजेक्शन की जरूरत है कुछ भी जरूरत नहीं है तो नहीं होता ऐसा ये रूहानी डॉक्टर है अल्लाह वाले हम उनके पास गए तो अपना आपको खोल के रखते ना अंदर से अगर तेरी आंखों की खयानत कम नहीं हुई अभी भी वही आंखों में खयानत है और बचाने की कोशिश करो लेकिन नजर पड़ जा रही तो फिर वो चेहरा जमीन पे घूम रहा या फिर से बदनिगाही हो जा रही या ये चीज नहीं छूट रही मेरी ये चीज नहीं छूट रही सब जाके बोलना जाके सुना तो अपन बैठते तनहाई पे जो है ना अपना जायजा लेना अपना सिस्टम कैसा है तो अगर आपने जो आंख दी है ना हम मतलब हमारी खास अपन बना ली वो आंख को ऐसा ऐसी आंख है कि उसमें सबकी बुराई दिखती अपने वो अपनी बुराई नहीं दिखती सामने वाला कि आप बोले मैं आपको पूछा सही बोलो कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं सही बोलो क्या पीछे पड़े आप मेरे बोलो मतलब सामने वाला बहुत सारी बुराइयां सुना सकता है आपके अंदर ये है ये है ये है मेरे भाइयों को नजर को थोड़ा जो ना अपने दिल की तरफ फेरो अपने अंदर क्या क्या बुराइयां हैं आप अगर परफेक्ट बने अपने आप को परफेक्ट बनाना है तो जब तक आपको अपनी बुराइयां नहीं मालूम होती उस वक्त तक आप परफेक्ट नहीं बना सकते तो इस पे एक शेर लिखा है नजर मुस्तफी एक शायर है वो शायर का शेर है मुस्तफी हम तो समझते थे मुस्तफी मुस्तफ मुस्तफ स्वाद से उर्दू में लिखने वाले स्वाद से रोमन वालों को तो सूफी ही है ये सागर तो साथ भी आता उसमें सीन भी आता सा भी आता तो मुस्तफी हम तो समझते थे कि होगा कोई जख्म के होगा कोई जख्म मुस्तफी हम तो समझते थे कि होगा कोई जख्म इसलिए मुस्तफी हम तो समझते थे कि होगा कोई जख्म तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला रफू समझा भविष्य मुस्तफी हम तो समझते थे कि होगा कुल जख्म तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला रफू करना बोल दो कपड़ा फट गया तो वो कपड़े को जोड़ने को रफू करना बोलते सीने को नहीं बोलते खाली नॉर्मल के कपड़े सीने को रफू करना नहीं बोलते पहले जमाने में अब तो मतलब माशाल्लाह लोगों के पास पैसा बहुत है थोड़े दिन इस्तेमाल कर दे फेंक दे ये जो बाहर वगैरह के टूरिस्ट रहते ना जो अमेरिका में क्या करते बोलते आप उनके कपड़े देखे तो सस्ते कपड़े रहते एक चड्डी रहती ऊपर रहे टी शर्ट रहती उन्होंने क्या करते किसी भी जगह जाके 150-200 रुपए की चड्डी 150-200 रुपए की टी शर्ट लेने के पहनते थे वो महंगी बहुत थी वो फेंकते थे फिर खरीदते थे दूसरी पहनते थे धोते भी धोने का सिस्टम भी नहीं है उनके पास एक ही एक बार तो भाई मगर कब तक पहनते वो थोड़ा घस जा रहा होगा महंगा 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 पतली होते थे जैसे जब तक पहले खरीदते थे बर्बाद कर रहे वो तो रफू करना किसको बोलते कपड़े फट गए तो पहले जो ना वो कपड़ों को क्या करते जड़ लगाते थे जोड़ लगाते थे टांका लगाना टांके लगाने को रफू करना बोलते थे दिल को खोल के देखा तो दिल हर तरफ से फटे हुआ है
हर दस समझ हर दस माफी करने की जरूरत है। वैसे जो ना अपन क्या समझे एक आधा गुना ही अपने अंदर समझ रहे अपन, लेकिन जब हकीकत की नजर से देखे तो समझा कर मेरे अंदर तो इखलास भी नहीं है, मेरे अंदर तो खुशी व हुजूर भी नहीं है, मेरे अंदर तो मैं मुराकबा करने बैठा तो अल्लाह को याद नहीं करता, मैं हालांकि याद करने बैठूं मैं नमाज पढ़ा तो मैं अल्लाह को याद नहीं करता, तो हसद है मेरे अंदर, बुग्ज है, कीना है मेरे अंदर, गुस्सा है मेरे अंदर, नफरत है मेरे अंदर, तकब्बुर है, मैं किसी को अपने बराबर नहीं समझता, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। जब हम तन्हाई पे बैठ के गौर करके समझ में आता तो एक आधा जख्म नहीं है फटेगा या पूरे। इसको फारसी में एक शेर है मगर लिखने की जरूरत नहीं है, फारसी में बोलते तन हवा दाग दाग शुद्ध के जिसम पूरा का पूरा दाग है, पिंपा पूजा पूजा नगम, पिंपा माने रुई मरहम रुई रुई कहां का लगा हुई और जिसम में हर तरफ जख्म है, एक तो जख्म नहीं जिसम है सारा छमकी। एक और शेर मेरे को याद आया अचानक वो जमाने के बाद, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छन्नी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे, दर्द खुद परेशान हो जाएगा कहां से उठूं मैं, हर तरफ जख्म है इधर हर तरफ आ दर्द आ, मतलब अंजर बंजर पूरे ढीले हुए तो होते। पॉइंट नंबर 5, जिस्म खुद परेशान है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से निकले। मुसहफी शायर का नाम है, ये शायर से अपने आप को मुखातब करके बोल रहे ना हमें मुसहफी हम तो समझते थे। पॉइंट नंबर 5, अफरत को दूर करने वाले मजीद पॉइंट्स में से पॉइंट नंबर 5, अफरत को दूर करने के लिए मौत कब्र कयामत का दिन जन्नत और जहन्नम का तस्किरा, मौत कब्र कयामत का दिन जन्नत और दोजख का जहन्नम का तस्किरा, जन्नत और जहन्नम का तस्किरा, मौत कब्र कयामत का दिन जन्नत और जहन्नम का तस्किरा। अफलत को दूर करने के लिए मौत कब्र कयामत का दिन जन्नत और दोजख का तज़किरा भी जरूरी है। ये हो गया मुकम्मल, इसको समझना अच्छी तरीके से, खबर मौत जहन्नम जन्नत मौत ये सारी चीजों को इंशाल्लाह जो है ना आगे इस पूरी तफसील से नजर समझाएंगे दिखाएंगे इसको इंशाल्लाह। मगर इसमें से एक प्लस ऐसा है कि इंसान की जो ना मतलब हालत खराब हो जाए ना गौर करे तो मौत क्या चीज है, खबर क्या चीज है, जन्नत जहन्नम, जो इंसान जन्नत से महरूम हो गया खाली थोड़ा इमेजिन करके देखेंगे अल्लाह तआला हमको जन्नत में ले जाकर जहन्नम में डाल दिया तो कितनी बड़ी हलाकत है, कितनी बड़ी तबाही है, रुसवाई दुनिया की रुसवाई। दुनिया के अंदर बैठे बैठे चार लोगों के दरमियान अगर हमारा कोई सीक्रेट अगर बाहर आ गया, आप किसी अपने साथी के बारे में बुराई कर दिया और वो अचानक वो साथी आपको पकड़ के चार लोगों को पूछ लिया तू मेरे बारे में ऐसा सा बोला कर देना मेरे पास प्रूफ है, कितनी रुसवाई महसूस करता है इंसान, कैसे जिद्दत महसूस करता। लेकिन ये रुसवाई अगर मैदान महशर पूरी कायनात के इंसानों के सामने हो, ये जिद्दत आपकी बीवी भी देख रही, आपके बच्चे भी देख रहे, आपके माँ बाप भी देख रहे और अगर आपके पूरे गुनाहों को निकाल कर सामने डाल दिए देखो ये करता था ये बंदा क्या हालत होना सोचो। तो बहरहाल ये चीजों पर महारत हासिल करे तो अपनी भी गफलत दूर होती, दूसरों की भी गफलत दूर होती, नए दोस्तों को दीदी दोस्ती में शामिल करने के लिए भी मजामिक काम आते आपको, अपने साथियां जो है ना डुब्बे मार रहे या फिर थोड़ा दूर हो जा रहे तो आप उनको भी समझा सकते हैं, उनकी भी गफलत दूर कर सकते हैं। मगर शर्त यह है कि आप पहले महारत हासिल करना, आप पहले याद करना, याद करने के लिए टाइम है इंशाल्लाह आपके पास 25 मिनट का टाइम है, 25 मिनट 20-25 मिनट जो है ना आपको जिस तरीके से मैं बताया था उस तरीके से मुजाकिरा कर लीजिए। और एक बात याद रखिए कोई सी भी चीज याद रखने के लिए जो स्किल्स है, रीडिंग स्किल अलग है, लिसनिंग स्किल अलग है, बहुत सारी चीजें जो है ना देखे तो याद होती, बहुत सारी चीजें जो है ना सुने तो याद होती, बहुत सारी चीजें पढ़े तो याद होती,
मगर तमाम दुनिया के जितने भी स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े जो लिखे इसके ऊपर, उन लोगों का सबका मुत्तफिका फैसला है कि वो चीजें परफेक्ट 100% उस वक्त याद होती जब जो है दूसरों को सुनाए। आप दूसरों के सामने एक से चार मरतबा सुनाए तो परफेक्ट एकदम 100% परफेक्ट याद करके सुना। इसके मदरसों में जाकर के तकरार करते थे, जो दिन भर बोल साहब पढ़ाए थे रात में बोलते थे छोटा बोल साहब बन जाता ताकि अपने चार दोस्तों को बिठा लेंगे, ये किताब बांटने दे दो, ये किताब आप, ये किताब आप, ये किताब आप, इस तरीके से तकरार होती ताकि वो जो दिन पे पढ़े थे वो याद रहे दिल पे बैठे। तो आप लोग अभी जाके अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, और अगर अगर अभी तक बीवी नहीं दिया तो जो है ना किसी और दोस्तों को, दिली दोस्तों है कि जरा आखिर में दिली दोस्तों को भी सुना सकते। सुनाने से क्या होगा, फायदा होगा, याद होगा, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज देना कर हजरत तशरीफ ला रहे हैं, अब हजरत का प्रोग्राम लेकर इस्लामी प्रोग्राम जो हमारा हर महीना होगा, चूंकि इसके ये हफ्ते के बाद के हफ्ते में निजामबाद के अंदर प्रोग्राम में दो दिन का इस्लामी प्रोग्राम जैसा कहीं नगर में हुआ था वैसे निजामबाद में होने वाला है, तो उस वक्त आना मुश्किल था हजरत का, और उस वक्त तो हमारे खुद जाना है वहाँ पे, इसलिए मैं मौके से फायदा उठा के ये हफ्ते में प्रोग्राम रख दिए। तो कल जो है ना हजरत तशरीफ ला रहे हैं, मगरिब की नमाज के बाद हर साथी वहां पर पहुंचने की कोशिश करें, ये अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। हम जाएंगे तो हमारा फायदा होगा, हम जाने से किसी का, किसी दूसरे का फायदा नहीं है, हमारा फायदा है। और एक बात बोलना भूल गया मैं, इससे पहले भी बार बार ये ऐलान नहीं हुआ था, एक और ऐलान ये कि खवातीन के लिए भी जो है पर्दे का नज़्म है, और खवातीन को बहुत ज्यादा फायदा महसूस हो रहा। मेरे घर में भी अलहमदिल्ला मेरी अहिया भी जाते वहां पे, बहुत फायदा महसूस हो रहा, बहुत अच्छा निकला खवातीन के लिए भी। तो आप हजरात जो है ना अपनी खवातीन को भी वहाँ पर लेके आने की कोशिश करें। हम लोग फिर भी जो है ना किसी बहाने से जुड़ते हैं आपस में, लेकिन हमारे घर की खवातीन दीन की बातें सुनने से अक्सर महरूम रहती, तो जरूरी है मुनासिब समझे आप लोग इसको, हम अपनी खवातीन को भी वहाँ पे लेंगे। मुझे कल मगरिब की नमाज इंशाअल्लाह मस्जिद हफीज में पढ़ना है, कौन कौन पढ़ेंगे? नमाज के बाद रुकना भी है, पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ के नहीं होगा ऐसा नहीं है मसला, नमाज का प्रोग्राम में रहना है, ठीक है ना। चलिए हल्का लगा दीजिए।